Hello students, today we will study about your next poem of poetry section and the poem is The Duck and the Kangaroo composed by Edward Lear. First of all students, we will go through the title of this poem and the title is very clear. This is the story of a duck and a kangaroo. That's why the title is given as The Duck and the Kangaroo. So students, without wasting our time, we will proceed our poem. The first stanza of this poem is, said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. So students, इस फर्स्ट स्टेंजा में जो डक है और कंगारू है, मीन्स इस पोएम में हम एक डक और कंगारू की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे. मीन्स डक और कंगारू के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही है, उसको हमें इस पोएम में पढ़ना है. तो फर्स्ट स्टेंजा जो है हमारा, उसमें डक जो है वो कंगारू से कुछ कह रही है. वो क्या कहती है, सेट द डक टू द कंगारू. और स्टूडेंट्स, आप इस फर्स्ट स्टेंजा में देखेंगे कि फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन इज सेम, दोनों लाइन सेम ही हैं. तो डक जो है वो कंगारू से कहती है, गुड ग्रेशियस. गुड ग्रेशियस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ओ माई गॉड. मीन्स डक कहती है, ओ माई गॉड, हाउ यू हॉप. हॉप मीन्स क्या होता है, कूदना. जैसे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे आप फ्रॉग को देखते हैं, वो हॉप करता है, वो जंप नहीं करता है, वो हॉप करता है, कूदता है. तो जो एनिमल्स होते हैं वो जंप नहीं करते, वो हॉप करते हैं. तो यहाँ पे डक कहती है कंगारू से कि ओ माई गॉड, गुड ग्रेशियस, ओ माई गॉड, हाउ यू हॉप, तुम कैसे कूद लेते हो. मीन्स तुम कैसे कूदते हो. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, मीन्स फील्ड्स पे और वाटर में भी. टू मीन्स वाटर में भी. तुम कैसे कूद पाते हो, तुम कैसे कूद लेते हो. As if you never would stop, जैसे कि तुम कभी रुकते ही नहीं हो, जैसे तुम कभी रुक ही नहीं रहे हो, तुम बिना रुके हुए कूदते हो. My life is a bore in this nasty pond. मीन्स यहाँ पे डक कहना चाहती है उसकी कंगारू की, वो प्रेस करती है उसको कि तुम कितना हर जगह पे, फील्ड में, वाटर में, हर जगह पे कितने अच्छे से हॉप करते हो. एंड इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है कि जैसे तुम कभी नहीं रुकोगे, तुम अच्छे से कूदते ही रहोगे. काफ़ी प्रेस करती है वो यहाँ पे. फिर वो अपने लिए कहती है, माय लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. नेस्टी पॉन्ड मिस होता है, पॉन्ड मिस आपको पता है तालाब होता है, और नेस्टी मिस होता है डर्टी, मीन्स अनप्लीजेंट जिसको हम बोलेंगे. तो यहाँ पे डक कहती है कि मेरी लाइफ जो है वो कितनी बोरिंग है, इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मीन्स इस डर्टी पॉन्ड में, इस अनप्लीजेंट पॉन्ड में मेरी लाइफ जो है वो काफ़ी बोरिंग है. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. बियॉन्ड मीन्स होता है बाहर की ओर, दूसरी तरफ. तो ये पॉन्ड कहती है यहाँ पे कि मैं, आई लॉन्ग टू, लॉन्ग टू मीन्स होता है इच्छा रखना, मैं इच्छा रखती हूँ गो आउट इन द वर्ल्ड, इस संसार की. उसका संसार क्या है, वो नेस्टी पॉन्ड. वो कहती है मैं इस संसार से बाहर जाना चाहती हूँ. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे जैसा कूदना. सेट द डक टू द कंगारू, डक जो है वो कंगारू से कहती है. अगेन देखिए पूरे स्टेंजा को, डक कंगारू से कहती है, उसको प्रेस करती है, कहती है कि ओ माई गॉड, तुम कितना अच्छा कूदते हो, फील्ड्स में भी और पानी में भी. ऐसा लगता है जैसे तुम कभी नहीं रुक पाओगे, तुम कभी नहीं रुकोगे, बट मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है इस गंदे से पॉन्ड में, इस अनप्लीजेंट पॉन्ड में. मैं इस पॉन्ड से, इस वर्ल्ड से बाहर जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारे ही जैसा कूदना. सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ देखते हैं. प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू. डक जो है वो कंगारू से अपनी विश रखती है उसके सामने. सेकेंड स्टैंजा में वो कहती है, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, प्लीज़ मुझे अपने पीठ पर बैठा कर सवारी करवाओ. मीन्स वो उसकी पीठ पर बैठकर घूमना चाहती है. तो वो अपनी विश उसके सामने रखती है. फिर कहती है, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, वो उसको श्योर करती है कि मैं चुपचाप से बैठूंगी. मीन्स तुम अपनी पीठ पर मुझे बैठकर सवारी करवाओगे, मैं चुपचाप से बैठूंगी.
एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी सिवाय क्वैक। आपको पता है ना डक क्वैक क्वैक करती हैं, तो क्वैक इज़ अ साउंड वर्ड प्रोड्यूस्ड बाय डक। डक के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्वैक बोलते हैं। डक हमेशा क्वैक करती है, तो वो कहती है मैं तुम्हारी पीठ पर चुपचाप बैठूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी सिवाय क्वैक, मीन्स केवल क्वैक क्वैक करूंगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, और वो पूरा दिन, वो कहती है मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। एंड वी हैड गो टू द डी एंड द जेली बो ली, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। डक कहती है यहाँ पे एंड वी हैड गो टू द डी, देखिए यहाँ पे डी एंड द जली बोली, ये दो वर्ड्स हैं, डी एंड जली बोली, ये कोई जगह का नाम नहीं है, ये इमेजिनेशन वर्ड हैं डक के द्वारा। मीन्स पोएट ने यहाँ पे इमेजिनेशन किया है कि ये दो टू प्लेसेस हैं, कौन कौन सी, डी और जली बोली। तो यहाँ पे डक कहती है मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन घूमना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ डी जाना चाहती हूँ, मीन्स एक इमेजिनेशन प्लेस है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ डी जाना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, और जली बो ली घूमना चाहती हूँ, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, मीन्स लैंड के ऊपर और सी के ऊपर मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ डू, वो ओ डू डू मीन्स होता है बेस्ट फ्रेंड, वो अपने कंगारू को बेस्ट फ्रेंड बताती है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, प्लीज़ टेक मी अ राइड, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। सेट द डक टू द कंगारू, डक जो है वो कंगारू से कहती है। सो स्टूडेंट दिस इज़ एनफ अबाउट टू स्टैंजास, और आई होप कि आपको बेटर समझ में आ गया होगा। तो टाइटल भी आपको क्लियर है कि दिस पोएम इज़ अबाउट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन डक एंड कंगारू। स्टूडेंट्स रिपीट द स्टैंजास अगेन एंड नोट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड रेस्ट स्टैंजास वी विल गो थ्रू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।